हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार, मानवीय सो प्राइवेट लिमिटेड, और एक छोटे से प्लान पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जो कि बहुत अच्छा पावरफुल और बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, जिससे कि लोग छोटे अमाउंट से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। और हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नए ब्लॉग में। आज तो आज हम आपको मिलवाएंगे, हमारे भैया हैं अतुल भैया, जिनका एक ये एक कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम एसोप है, और एक छोटे से प्लान से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो भैया बताएंगे अपने बारे में और अपना जो प्लान है उस प्लान के बारे में भी आपको सारा पूरा डिटेल आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भैया आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में बताएं। हमारा नाम अतुल कुमार है और मानवीय सो प्राइवेट लिमिटेड का मैं रन कर रहा हूँ, और मैं CMD भी, और उसके बाद आज अच्छे प्लान पे हम लोग एक अच्छी उस पर लेके जाएंगे। आजकल बेरोजगारी को देखते हुए एक हम लोगों ने एक प्लान डिजाइन किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और पहले से प्लान सुनने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और और अपने ज्यादा से लोगों लोगों को को शेयर करें, शेयर करें, और जिससे कि इस प्लान के बारे में लोगों को पता ज्यादा से चले, ज्यादा लोगों को मालूम। नॉलेज मिले, मालूम यस पड़े। यस यस और बोलो, ठीक है, अभी हम लोग लेके चलते हैं अपनी टीम के पास, और आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं, कैसे हम लोग प्लान देते हैं, कैसे प्रोडक्ट है, हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे पैसे को अर्निंग करनी है, कैसे प्लान के बारे में, वो हर चीज़ बताऊंगा। अभी हम लेके चलते हैं अपने टीम के साथ, और अपनी बने टीम रहिएगा। भैया अपनी टीम और ऑफिस में चल के दिखाएंगे हम आपको, और चलिए मिलवाते हैं अपनी टीम में। 10 लोगों को जो आपने दिया था, आपका टारगेट पूरा हुआ, आप चले गए ऑटो फुल में। अब जो भी कंपनी में कहीं से भी आईडी लग रही है, 90 रुपया पर आपको दे रही है। जैसे आप कह रहे थे, आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने लगा दिया, मान लो एक नंबर जो तुम कह रहे थे, क्वेश्चन था कि आप हम क्या करेंगे बाद में, आपको आप यहाँ पे किस लिए आए हो, इनकम के लिए आए हो या किसी काम करने के लिए आए हो। कम 90 रुपया पर आईडी देना शुरू कर दिया। अब जो तुम्हारे 10 लोग हैं, अब ये कौन 10 लोग है, वो आपके ही होंगे, और खुदा न खास्ता आप कहीं बढ़ जाते हो, मान लो एक लक बाई चांस, चांस बाई लक किसी को सक्सेस ही मिल जाती है, तो मान लो तुम बढ़ गए तो वो 10 लोग बुराई करेंगे कि नहीं करेंगे। जगह भाई साहब आपने हमको फंसवा जुड़वा के नहीं कहेगा, फिर बंदा फिर क्या कहेगा, हमें फंसवा के आप तो बढ़ गए, हमारा क्या करना चाहिए। तो कंपनी ये कहती है कि सर आप एक काम करो, जो 10 लोग हैं ना उनसे सबसे मिलो, जो आपको हमने बताया वो उन लोगों को बताओ, जो जिसमें काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, आपकी तो इनकम शुरू हो रही है। अच्छा, उसके बाद ही कंपनी कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं, और आप भी अभी करोगे, भाई साहब हमने जुड़वा दी, मतलब जो लोग हैं उनको क्या मिला, उनको पहले तो सामान मिल जाएगा, जो लोग नहीं काम करेंगे उनको। अब वो लोग हैं, हमारा पैसा भाई चला गया, उनके लिए कंपनी ने टू पे के नाम से एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। टू पे जैसे फोन पे पेटीएम देखा ना तुमने, फोन पे पेटीएम की तरह क्या है कि उसमें रिचार्ज कर सकते हो आप, 9.03% कैशबैक मिलेगा, पैन कार्ड बना सकते हो। भाई मेहनत करने में जब किसी का कहीं पैसा फंस जाता है तो मेहनत करके निकाल तो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पैसा कहीं डूब गया तो भाई हम भी वहां डूब जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो पैसा वहां से अपना अर्निंग कर सकता है। पैन कार्ड 107 रुपये में बनाती है कंपनी। उसके बाद कोटक महिंद्रा से कॉन्टैक्ट किया है अकाउंट ओपनिंग का, 100 रुपये पर अकाउंट देंगे, जब यहाँ पे आपकी KYC सबमिट हो जाएगी तो आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। किसी का पैसा कोई बेस्ट नहीं है। एक चीज और कंपनी कहती है कि मान लो एक इस चीज से आप जुड़ने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, और अच्छी आप इनकम पाने की, और प्लस एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो इस पर, जो कि आगे ASOP में भी आप काम ना करोगे तब भी आप कहीं भी कोई धंधा या बिजनेस कोई भी करोगे तो आपको वहां पर नॉलेज ये काम है आएगी, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग देते हैं। 10 लोग आपने किए थे, आप में 10 में 2 काम करते हो तो 2 को फायदा मिलेगा, आपको नॉन वर्किंग मिल रही है। जैसे ही आपके डाउन में 100 लोग हो जाते हैं तो आपको ये 9,000 रुपये देती है कंपनी, क्या नहीं, किनको दे रही है, आपको, क्यों, आपने टारगेट पूरा किया, आपने बताया तो उसको भी था, जो आपके 10 लोग थे उनको भी आपने बताया था, पर उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो मुकाम पा रहे हैं, 8 लोग मुकाम नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से इसका क्या है, ग्लोबली पूरा प्लान कर दिया है। इसमें क्या करते हैं, इस सफर पे वही लोग चलेंगे जो 10 लोग कर सकते हैं। अच्छा, 10 लोग करने के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया दे दिया कंपनी ने, कि जैसे कि आज बंटू सर हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, आप किसी ने किसी के रेफर से आए होंगे, ठीक है ना। पहले तो मैं बहुत बढ़िया आपको सब लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूंगा दिल से, कि आपके एक कीमती समय निकाल के आप इस हॉल में आए, और कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए ही आए हैं, ठीक नहीं, और सीखा जब जाता जब उसकी पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है ना। तो देखो बोलने में और उसमें कुछ नहीं कि आप पूछो, देखो पूछोगे ना, आप लोगों ने पूछा तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि काम के इच्छुक बंदा होता वही पूछता है, क्या नहीं, ठीक है ना। अब आप बताओ और भी कोई क्वेश्चन हो तो, हाँ आ जाओ, मैं आप अब तुम यहाँ पे बता दो, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो एक बंदा है, ठीक है इसने आईडी दे दी, ठीक है इसने 10 को बन दिया, ठीक है ठीक है, ओके। अब ये एक बंदा ये तो अलग काम करेंगे, ये भी 10 जोड़ेंगे, वो इसमें जो जोड़े हैं 10 जोड़ने से कोई नहीं, जैसे एक ये हर
ये हमारा है ना सिस्टम, ये 10 जोड़ेंगे, ये वाला, ये सब 10 ही जोड़ेंगे, वही ये बंदा क्या करेगा? कौन सा वाला? ये भी जोड़ेगा, ये भी जोड़ेगा, है तो ये 10 में ही हिस्सा इसका। हाँ जैसे मान लो 9 ये रहे, एक ये 10 है, यही तो होगा ना, तो 10 तो ये भी 10 जोड़ेंगे। आप तो ये बैठे हो ना, हाँ हम क्या करेंगे? जब अब आपका टारगेट पूरा हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? इनकम मिल रही है आपको, अब आपको काम नहीं ये करना। हमें इतने ही मिलेंगे क्या? क्या? नहीं, भाई तो बात हो गई थी, वही तो एक तो बार ये मिलेगा। सर ने क्या बताया, आप समझ नहीं पाए, इधर आ जाओ आप। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा सर के समझने वाली बात, कोई बात अच्छी बात कह रहे हो। जैसे कि मान लो ये तो आपको मिल गए पहले, जो आपने 10 जोड़ी, उसके बाद अब आपका टारगेट हो गया खत्म। अब कंपनी में कहीं से भी लोग आए 10 के बाद 11 में, कहीं से वर्ल्ड से ग्लोबल, ठीक है ना, तो आपको दिया 90 रुपये आड़ी, ये कितना दे दिया? 9,000 आपको और दे दिए, ठीक है ना। अब 100 के बाद कंपनी में 101 102 आए, 1,000 लोगों तक तो देगी कंपनी 50 रुपये आड़ी, पूरी कंपनी में आपके बाद। जैसे आज आपकी 70 नंबर आड़ी है, तो 700 हमारे यहाँ होंगे, तो अब तब आपके पास नंबर आए, क्योंकि पीछे जो लोग बैठे उनका भी नंबर आना है। पहले मैं सर एक सेकंड और सुनो, आपको क्या कर, पहले क्या, अच्छा ये आपको मिल गए, अब आपको करना जो कह रहे थे ना 50,000, ये मिल गए, पहले 2 आईडी आप और लगाते हो तो 10,000 रुपए का फोन भी दे रही कंपनी डायरेक्ट अपनी। जैसे जो आपने 10 लगा दिया भाई, 10 के बाद जैसे आप लगाना चाहो, एक तो आपको ये फ्री में इनकम मिली रही है, नॉन वर्किंग जिसे बोलते हैं, आपने समझे, नॉन वर्किंग ये मिली रही है। उसके बाद जैसे बिना काम करें, बिना काम के, ठीक है ना। अच्छा ये गिफ्ट क्यों दे रहे हैं हम लोग? सर एक मिनट, प्लस साइलेंट। जो गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि बंदा हमारा एक्टिव है कि नहीं, कैसा नहीं, पैसा मिल रहा हो, खरीद सो रहा हो, लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वो हाँ मतलब ये। अब ऐसा गिफ्ट क्यों रखा कि 2,2500 रुपए लेने, मतलब 1180 के मारे मारे 2,425 रुपए हो गए। अच्छा 2,400 रुपए में मान लो 10,000 क्यों दे रहे हैं? इसी दे रहे हैं कि बंदा को एक लालच तो नहीं होगा, तो आप क्यों जाओगे? आज आप राशन लेने जाते हो, फ्री के चक्कर में जाते हो, बंदा क्यों जाओगे? और राशन पैसा से भी मिले तो सस्ता मिलता है, इसलिए लेने जाते हो भाई, दुकान का रेट कर, तो आप जाओगे नहीं, क्या जाओगे? तो भाई जी कंपनी क्या कहें, ये एक्टिव, इससे क्या होता है, 2 आईडियो से जो बंदा कम है उसका पूरा हो सके। नहीं जो 2 से ज्यादा करोगे 500 रुपये मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, और भी लगाना चाहो तो मजदूरी अपनी पूरी पड़ रही है ना झाड़ी। 10 के बाद एक्स्ट्रा कोई भी करते हो आप, 10 के बाद एक्स्ट्रा कोई भी करते हो 500 रुपये आपको मिल रहा है, 10 ही लगाने वो मान पूरा मिल रहा है। अच्छा उसके ये मिल गई, अरे सुनो एक सेकंड, उसके बाद ये अब एक बात करें, 1180 रुपये में लोग 10,000 का तुम फोन लेते हैं, हम लोग लेते हैं, एक साल बाद कितने का बेचते हो आप ये बताओ? आप लोग 10,000 वाला फोन एक साल में कितने रुपए का बेच दोगे? 5,000 वो मान लो, उससे नहीं कहते हो, क्यों नहीं कहते हो तुम कि मेरा तो मद्दा क्यों गया? क्योंकि वो तुम्हें मनोरंजन करता है, आपको रात को सुलाता भी है, अच्छे अच्छे लोगों से बात भी कराता है, क्या नहीं कराता? अब ये इसमें क्यों जुड़ेगा बंदा, इसमें कौन जुड़ेगा? जो ये कमाई करेगा। एक वर्ल्ड बैंक का सर्वे सर ने बताया हुआ खर्चे के ऊपर, आज हम लोग है ना कहीं एक नौकरी करने जा रहे, तो हम लोग ये सोचते हैं 15,000-20,000 की नौकरी मिल जाए, मजे की है भाई। शादी करोगे कर्जा लेना पड़ेगा किसी भी व्यापारी के पास से जाके, क्या नहीं? क्या तो व्यवहार अच्छा होगा तो कोई हेल्प कर देगा, व्यवहार अच्छा नहीं है तो बैंक भी के पास जाओ तो जमीन रखेगी। ऐसी कोई स्कीम हो जैसे कि आड़ी 10 लगाने के बाद मान लो कहीं भी, आज तक तुमने सुनी, तुमने सुनी होगी यही वाली, जैसे तुमने ये लगाई, ये जो लोग लगाएंगे ये ऐसे ही तो है ना, आपने कहीं सुना? ये कुछ नहीं है, ये क्या है? अब सर इसे मिटा सकते हैं ना, दे दिया कितना? 5,000, ठीक है ना। आप समझो जब कंपनी में 100 हुए तो 10 लोगों को कितना दे दिया? 5,000, और इनको कितना दे दिया? 50, नौ नौ सॉरी 9,000। ये कौन से लोग हैं जो 100 हो रहे हैं? इसमें वो कचड़ा नहीं है जो वो है जो 10 कर चुके हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले कौन जोड़े जाते हैं? जैसे क्वांटिटी जो बेफालतू में पड़े हैं, जैसे मान लो जिनने 2 जोड़े वो भी जोड़े जा रहे हैं, और जब अचीवमेंट किनको मिलता है? जिनको 10 मिले हैं। जैसे आज वाले 100 लोग हैं, 100 में कोई ऐसा नहीं है कि 10 करने वाले हों, किसी ने एक ही आईडी की हो, क्वांटिटी पूरी कंपनी दिखा रही है और इनकम उनको दे रही है जो लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। जब यहाँ कंपनी में 1,000 लोग होंगे टोटल, जो इसमें ना काम करने वाले, करने वाले बेबी, तो यहाँ पे क्या करना, 100 लोग जो अच्छे अच्छे करने वाले उनको 5-5 दे दिया, इनको 9-9 दे दिया, और इनको 50 दे दिया, ठीक है ना। इस टाइप से पूरी प्रोसेस। अब जब यहाँ पे 10,000 लोग होते हैं, 5-5 दे दिया, 9 दे दिया, 50 दे दिया, और यहाँ पे 3 लाख दे दिया प्लस गिफ्ट भी दे दिए। इस टाइप से पूरी 1 लाख हो गए, 5, 9, 50, 3 और 25, ठीक है ना। लास्ट लेवल यहाँ पे 10 हो गए। जो पहले इसमें मतलब ये भी नहीं है, जैसे मान लो आप हैं, आपकी आईडी 100 नंबर पे लगी है, सपोज आपके सीनियर मान लो मैं हूँ, मैंने आईडी आपकी लगाई और हमने अपनी आईडी पूरी 10 नहीं कर पाई और आपने कर दी,
तो आप पहले पहुंचे, वो बाद में पहुंचेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम इनके स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर मतलब ये है कि इन्होंने ये आईडी अपना टारगेट पूरा किया है सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जब जो लोग पहले पहुंचते हैं वो पहले ही आएंगे, यानी जूनियर और सीनियर कुछ नहीं है। इसकी मैनी वैसे भी तुमने बताई होंगी, इसमें क्या डाउनलाइन अपलाइन से दोनों से वो मिलता है, मतलब सीनियर और जूनियर से दोनों से सपोर्ट मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो ये है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अभी हम उस चीज़ बात करेंगे। पहले प्लान पे पूरा हो गया कि नहीं, ये तो सोलो प्लान के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। कोई डाउट है पूछो। देखो ये प्लान क्या, इसमें क्या क्या हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, खान पान से लेके जो घर में इस्तेमाल वाले, एक एक ही किसी की प्रिंट भी देख सकते हो कि मार्केट से कहीं महंगा तो नहीं है। आजकल पहली बात लोग ये क्वेश्चन करते थे कि मार्केट से महंगे मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, यानी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं, जैसे कि अभी लकी ड्रॉ वगैरह के भी है, निःशुल्क मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग जुड़ सकते हैं सर हमारे यहाँ। कुछ किस्मत से भी बन सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, वो 100 रुपये मेंबरशिप लेने के बाद भी सामान खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से 20% डिस्काउंट पे। उसके बाद लकी ड्रॉ 300 रुपये, 200, 500 लकी ड्रॉ होते हैं, जिससे कि 200 रुपये से 10,000 तक का फोन जीत सकते हो आप, 300 रुपये से आप बाइक जीत सकते हो 50,000 तक की, और 500 रुपये में 3.5 लाख रुपये तक की कार देती है कंपनी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो लक बाई चांस, जो कूपन जैसे कि फोन पे वगैरह के जो कूपन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके फोन पे जैसे 1,000 लोग खुलते हैं हमारे यहाँ, तो 1,000 लोगों के पूरे कूपन आ जाएंगे, उसमें आप कोई भी स्क्रैच करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, एक बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया गया है जो कि लोगों की जरूरत है। ये फोन से सिर्फ कर सकते, ये फोन ये नहीं है कि मनोरंजन के लिए ही है, इससे बहुत सारी चीजें लोग हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया से कमा रहे हैं लोग, क्या नहीं कमा रहे हैं। फोन हर किसी के में है, आप काम करो या ना करो, कुछ भी आप फोन चलाओ या ना चलाओ, तब भी आपके 10 रुपये जा रहे हैं पर डे। कितने लोगों के जा रहे हैं 10 रुपये बता, जो एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। नहीं, 10 रुपये सिर्फ रिचार्ज के, मान लो 300 रुपये का रिचार्ज तो कोई कम करता नहीं है, और कुछ लोगों के हमारे तो भाई 500 रुपये में पूरी नहीं पड़ती कि हमें तो 3-4 GB डाटा चाहिए, क्या नहीं। आप लोग तो फिल्म रील देखे कर देते हो, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्यों अलग अलग लोग प्लेटफॉर्म है। आज तुम जो भी सोच है आपकी, क्या देखो गलती किसी की नहीं होती है, क्या होता है माहौल की होती है, मतलब जिससे हम माहौल में पले बड़े हैं, जैसे कि मैं भी कहीं ना कहीं पला बड़ा था, क्या नहीं। जब मैं बाहर निकले, लोगों के बारे में देखा, और लोगों की आज जो प्लान को डिजाइन किया हम लोगों ने, वो सिर्फ लोगों के लिए डिजाइन किया। 1,180 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग 10,000 का फोन लेके 1 साल के बाद जब आप 50% में बेचते हो, तो एक बार बिजनेस करने के लिए हम एक हाथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में नौकरी का बहुत कम चांसेस हैं। 80% लोगों को पता चल चुका, तब भी लोग कितने भी तुम धरना दो, सरकार कहाँ से देगी होता हो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, लोग बिजनेस के लिए कहीं जाते नहीं, कहीं भी कोई बड़ा सोचते नहीं। कहीं ये कहना, सोशल मीडिया पे तो कोई ही चार्ज नहीं लगता, एक लोग गाली भी दे रहे हैं तब भी पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, क्या नहीं कमा रहे हैं। लोग हैं छोटी छोटी रील बना रहे हैं, आगे सोशल मीडिया का ही जमाना है। आज ए शॉप के बारे में भी कोई बंदा यूट्यूब पर भी डाल देगा तो आगे उसकी सर्च में वीडियो आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ए शॉप में भी लोग जुड़ेंगे नहीं, क्या नहीं। जब जुड़ेंगे लोग तो आगे उसको देखेंगे, ए शॉप है क्या, ए शॉप का प्लान क्या है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें। अभी आप है यूट्यूब चैनल पर डालो, मान लो सब्जी भी एक बनानी हो ना, तो सब्जी के बारे में भी पूरा निकल के आ जाएगा कि आप सब्जी कैसे बनाएं, आलू गोभी की कैसे बनाने हैं, पनीर कैसे बनाना है, कि नहीं। इसकी कहीं ना कहीं मान लो लोग कमाई का जरिया है कि नहीं। अब लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो तो ये कहेंगे वहाँ से कैसे पैसा आएगा, वहाँ हम ऐसे लोग पैसे देते हैं ऐड के लिए। आज आप है ना एक छोटी सी दुकान पर आप चले जाओ, छोटा सा एग्जाम्पल, रिन साबुन आपको ज़रूरत है, और उस दुकान पर रिन साबुन नहीं है तो आप उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदोगे, क्योंकि रिन की टक्कर पे कोई और नहीं है क्या। बहुत सारी कंपनियां हैं, पर क्या कि जो आपके दिमाग में है ना, जैसे आप पिक्चर देखते हो जिसमें हीरो हीरो ने किसने भी पिक्चर कर दिया कि इसकी खूबसूरती का राज ये है, तो आप खुद देखने के बाद ट्राई करेंगे कि नहीं। आज दसवीं हजार लाखों की बात कोई बताने वाला तो बंदा ट्राई करने वाले नहीं है। आज कंपनी के बारे में बताऊं, मेरा जन्म सुड़पड़ा के पास बीनामो गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। 2012 से मैं सेक्टर 63 नोएडा में अपना ऑफिस वगैरह रन कर रहा था, पहले कंप्यूटर वगैरह का हमारा काम था। उसके बाद फिर हम 2016 में ट्रेडर्स में चले आए, चाय सरप का हमारे मार्केट। जब लोग लॉकडाउन था तो लोग घर में सो रहे थे, लोग डरा रहे थे कि कोरोना कहीं लग नहीं जाए, उस समय हम सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे तक कम 4-5 हज़ार रुपये का बिजनेस करके आते थे अपनी गाड़ी से, क्योंकि लोगों को आप लोगों कहीं ना कहीं हम लोगों ने खाने के लिए सामान की पूर्ति हम लोगों ने की है, क्योंकि लोग इतने भयभीत हो गए थे कोरोना टाइम पे। 2 साल के लिए लोग ये कह रहे थे किसी से हाथ मिलाना क्या, दूसरे के रिश्तेदारी के घर पे जाने के लिए मना कर रहे थे लोग, क्या नहीं करते थे। गेट पे कोई बाहर का दिल्ली का ही बंदा आ गया तो दूर से बोल देते हाँ भाई साहब क्या काम है, क्या नहीं। तो वही चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने युवाओं के लिए ये चीज़ सोचा,
कि नए लोग हैं जो आपका दिल है नौकरी के लिए, जॉब के लिए या कहीं बिजनेस के लिए, आप शौक से करें, ये तो एक पार्ट टाइम है। ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसमें 200 लोग से कहीं किसी के कम हो। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो सब लोग चलाते हैं ना। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे जब दोस्त हैं, जब तुम्हारी सक्सेस में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो ऐसे दोस्तों की ज़रूरत क्या है। मैं दोस्तों बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, तो अभी निमंत्रण के लिए बोल दो कि कॉलेज में भंडारा है, 500 लोग बिना निमंत्रण के आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो वो कहेंगे बंटी सर ने वहाँ भंडारा किया और हमें क्यों निमंत्रण दिया, हम तो अपनी लड़की की शादी में हर्ची बुलाया था उनको। क्या नहीं लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो लोग क्या है कि जैसे कि माहौल में होते हैं, तो हम तो ये कहते हैं, हम लोग तो कंपनी कहती है 100 लोगों को समझाएंगे, सिर्फ 10 लोग हमारे आएँ, आराम से सुने, समझें, उस चीज़ को करें। आज कंपनी में पैसे की किसको भूख नहीं है, हर लोग। अभी मैं एक सर से भी मिलवाऊंगा आपको लिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाले बंदे को भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है? किसी के बाद लोग कहते हैं पैसे वाले को पैसा ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने कुछ सोचा है अपने लिए, क्या नहीं? मुझे कुछ करना है, कि मान लो आज कहीं कोई प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो जब पैसा होता ना, लोग कहते हैं जब त्यौहार जब अच्छा लगता है जब पैसा जेब में हो, लोग कहते हैं अरे इस साल मार्केट में भीड़ बहुत कम है, लोग कोरोना टाइम में परेशान हो गए। दोस्त कोरोना टाइम में परेशान नहीं हुए, लोग क्या हुआ, जगह जगह दुकानें खुल गई, मार्केट में भीड़ जाना बंद हो गई, लोगों ने अपना उचित कर दिया। ठीक है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और मैं प्रदीप सर को अपने को इन्वाइट करूँगा, वो कुछ आएँ और बताएं अपने इस सब के बारे में, और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं तो वो लोग रुक के फ्री में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद ही जाएँ, ठीक ना? उसमें कोई पैसा नहीं, जब आपका दिल चाहे तो अपना ग्रीन करा लेना, नहीं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी तो लेते रहिए उसके साथ बने रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।